ओम शांति। आज की तारीख है 7/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो हमारे स्वभाव, संस्कार और हमारी संस्कृति सब कुछ हमें वापस लौटाते हैं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अच्छा संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर है, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे, बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, बस सोचते हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। नंबर दो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं कि मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, तो ये बोझ मेरेपन का है। कोई भी मेरापन, जैसे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो वो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता वो बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ तो हो जाएगा। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।